बेसिकली जो टारगेट है कि जो हमारा पेट्रोल है उसके अंदर इथेनॉल जो ब्लेंडिंग है वो 20% के आसपास में आने वाले 3 साल में करनी है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च जो हाई स्टार्च कंटेनिंग जो इनब्रेड लाइन्स है या पेरेंट्स हैं उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और जो हाइब्रिड्स हैं हम उस हाइब्रिड्स डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। सत श्री अकाल जी, तुम देख रहे हो एस एम जेड न्यूज़ ते मैं हाँ मनदीप। इस टाइम असी मौजूद हाँ PAU लुधियाना विखे जिथे मक्की की फसल में लैके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सदी गई है। तो आओ देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों केड़िया केड़िया सहूलत दिखाई जा रही हैं। जी सर, हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर HS जाट, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च लुधियाना। बेसिकली जो यदि हम देखते हैं भारतवर्ष के अंदर जो मेज़ का एरिया है वो करीबन 10 मिलियन हेक्टर के आसपास है, और इसे जो प्रोडक्शन है वो 33 मिलियन टन के आसपास आ रहा है। लेकिन जो हमारी भारत सरकार का जो टारगेट है EBP 20% बाई 2025-26, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमारे को मक्के के प्रोडक्शन के अंदर बढ़ोतरी की ज़रूरत है। बेसिकली जो टारगेट है कि जो हमारा पेट्रोल है उसके अंदर इथेनॉल जो ब्लेंडिंग है वो 20% के आसपास में आने वाले 3 साल में करनी है। तो उसके लिए हमें करीबन करीबन 10 से 12 मिलियन टन और मक्का की जरूरत पड़ती है। तो उस पूरा करने के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, जिन ऑप्शंस के ऊपर हमें हम काम कर रहे हैं। उसके अंदर तो एक तो जो है कि इंक्रीज इन एरिया में, उन एरियाज में, उन स्टेट्स में हम एरिया बढ़ाएँ जहाँ पर कि लो पानी की, जहाँ पर यदि कमी है तो वहाँ पर खरीफ में लगाएँ, और जहाँ पर पानी अवेलेबल है वहाँ पे हम रबी मेज पे फोकस कर रहे हैं। जो सरकार का बेसिकली जो फोकस है जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब, हरियाणा है, यहाँ पे जो डिस्टिलरीज है उनसे ज़्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन करने की बातें चल रही है। दूसरी साइड में जो ईस्टर्न इंडिया है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, एक वहाँ पर जो हमारा डिस्टिलरीज का है वो करीबन करीबन वहाँ पर भी एक हमारा कैचमेंट एरिया है जहाँ से ज़्यादातर इथेनॉल प्रोडक्शन होगा। पूरे देश में ही इथेनॉल प्रोडक्शन मक्की से करने की योजना चल रही है, ताकि जो सरकार का 2025-26 का टारगेट 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है, और 2030 तक 30% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है जो पूरा हो सकता है। तो इसका जो इथेनॉल होता है, जो मक्का से जो इथेनॉल बनता है, उसमें स्टार्च कंटेंट का एक बड़ा रोल होता है, क्योंकि स्टार्च कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतना इथेनॉल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च जो हाई स्टार्च कंटेनिंग जो इनब्रेड लाइन्स है या पेरेंट्स हैं उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारे पास जितने भी अवेलेबल हाइब्रिड्स हैं या कंपोजिट वेराइटीज़ हैं उनके ऊपर हम ऑलरेडी इथेनॉल का एवेल्यूशन कर रहे हैं कि कौन से में कितना इथेनॉल आता है। उसी के ऊपर हम 4-5 सेंटर्स हमने AICRP के अंदर आइडेंटिफाई किए, ताकि हम एक नई स्टार्च, हाई स्टार्च कंटेनिंग वेराइटीज़ को हम प्रोड्यूस कर सकें। तो आने वाले समय में सभी किसान भाइयों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो मक्का का जो भविष्य है वो अच्छा है, और क्योंकि इसकी जो डिमांड है आने वाले सालों में बढ़ेगी, जैसे जैसे हम इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करेंगे इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो सभी किसान भाई इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और अपना मक्का का जो रकबा है और प्रोडक्टिविटी है वो दोनों बढ़ाएँ। यदि प्रोडक्टिविटी के लिए हमारे पास अच्छे हाइब्रिड्स अवेलेबल हैं, IIMR के पास पब्लिक हाइब्रिड्स भी हैं, प्राइवेट हाइब्रिड्स भी हैं, जो भी हाइब्रिड्स उनकी कंडीशंस को सूट करते हैं वो उन हाइब्रिड्स को आसानी से अपने लगा सकते हैं। और बाकी चीज़ें जैसे आप इंसेक्ट मैनेजमेंट हो, पेस्ट मैनेजमेंट हो, डिजीज मैनेजमेंट हो, वीड मैनेजमेंट हो, उसके लिए हमारे पास BMP बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं, जो ऑलरेडी हमारी साइट पे भी अवेलेबल है। हमारे पास लीफलेट्स में भी हम किसानों को अवेयर करते रहते हैं, और टाइम से टाइम हम किसानों को खेत में जाके भी हम फील्ड ऑर्गेनाइज करते हैं, फार्मर्स फेयर भी करते हैं। तो इसीलिए मेरा सभी से निवेदन है कि आप मक्का के अंदर अपना फोकस करें, क्योंकि मक्का एक अपॉर्चुनिटी क्रॉप है और आने वाले समय में इसका भविष्य उज्ज्वल है, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। पंजाब में जो मक्का की संभावना है, जो हम तलाश रहे हैं कि जो खरीफ का जो हमारा रकबा है वो कैसे बढ़ाया जाए, और जो हाइब्रिड्स हैं हम उस हाइब्रिड्स डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। उसके लिए जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और जो IIMR है, दोनों आपस में मिलकर भी काम कर रहे हैं कि ताकि हमारे को ऐसे हाइब्रिड्स हम डेवलप करें जिनका प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्टिविटी पंजाब की बात करें तो 7 टन के आसपास आ जाए, तो उसमें स्कोप है। यहाँ पे जो किसान स्प्रिंग मेज लगाते हैं तो स्प्रिंग मेज बहुत ही ज़्यादा पानी मांगती है, तो उसकी वजह से हमारा पंजाब का वाटर टेबल नीचे जा रहा है। तो पंजाब, तो हम स्प्रिंग मेज को प्रमोट नहीं करते। किसान भाइयों से यही निवेदन रहता है कि स्प्रिंग मेज यदि आपको साइलेज बनाना या वो दूसरी चीज़ में जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी लगें, क्योंकि यदि पानी खेत में, पानी हमारी ज़मीन में नहीं रहेगा तो आने वाले टाइम में हमारे लिए बड़ी समस्याएँ खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर हम खरीफ मेज को प्रमोट करते हैं। तो लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में काफ़ी अच्छा कदम हो सकता है। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन का जो
मसला है डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट अच्छी तरह से काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अपनी स्कीम्स आती है जो उस पर भी काम कर रहे हैं, और उसके ऊपर हम तब तक प्रयास कर रहे हैं पिछले पाँच सात साल से, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसके जो रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। मौजूदा अधिकारियों गलबात करी गई, उन्होंने किसानों दस्या कि तुम मक्की की जो फसल उगाओगे तो तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। उन्होंने 16 प्रकार के बीज तैयार किए गए हैं जो कि बहुत ही किसानों लिए लाहेवंद हो सकते हैं। यहोजह न्यूज़ा देखते देखते रहो SMZ न्यूज़। कैमरामैन गुरमीत दे नाल मैं अमनदीप सिंह।